असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट लीक होने को लेकर AIMIM के मुखिया की ओर से सवाल उठाए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल पूछते हुए ये कहा है, यूपी सरकार लीक हुई रिपोर्ट की जांच करे। भड़के ओवैसी ने कहा है, यूपी सरकार लीक हुई रिपोर्ट की जांच करे। जन भावनाओं का यहां पर खिलवाड़ हो रहा है। प्रधानमंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करे यूपी सरकार। ये रिपोर्ट आखिर कोर्ट के भीतर गई तो वो लीक कैसे हो गई? उन्होंने कहा है, जन भावनाओं का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, सुनिए। इसको कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती, नंबर वन। जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ? जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? रिपोर्ट लीक कैसे हुई, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर सवाल पूछते हुए